zoomtv.in जहां शाहरुख और सलमान जैसे एक्टर्स सिर्फ प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स और बिग बैनर्स के साथ काम करना प्रेफर कर रहे थे, वहीं आमिर चोज टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द स्क्रिप्ट, क्लियरली इंडिकेटिंग टू इंडस्ट्री वॉचर्स दैट ही वाज नॉट वन टू प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम. नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द करंट, बट आई थिंक मेरा जो टेस्ट है, जो मेरी सेंसिबिलिटी है, वो कुछ ऐसी है कि मुझे वो ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो एकदम अलग किस्म की हैं. आई थिंक द एक्साइटमेंट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी एंड द चैलेंज ऑफ टेलिंग अ डिफिकल्ट स्टोरी. और यही सोच आमिर की शख्सियत को बयां करता है, और शायद यही वजह है कि जब भी आमिर की कोई फिल्म पर्दे पर आने वाली होती है तो दर्शक बिना किसी के बताए ये समझ लेते हैं कि फिल्म डिफरेंट होगी और अच्छी होगी. Likewise with Sarfarosh in April 1999, the film was directed by debutant John Matthew Mathan. आमिर ने अजय सिंह राठौड़ के किरदार को जिस खूबी से अंजाम दिया, लोग बस देखते ही रह गए. The strong character of ACP Rathod was brought out by the actor through his powerful performance. नेताजी को 3 दिन तक रिमांड रूम में बंद रखना और अरेस्ट मत दिखाना. Yes sir. At the same time sharing screen space with veteran actor Nasiruddin Shah, उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उनको एक बार फिर से फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड नॉमिनेशन मिला. गुलफाम हसन, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम जैसे इंसान को मैंने अपना दोस्त समझा. इस फिल्म के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि ही बिलोंग्स टू अ लीग ऑफ हिज ओन. मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूँ. 1999 में रिलीज हुई उनकी दो और फिल्में मन और दीपा मेहता की 1947 अर्थ. फॉर द लैटर आमिर रिसीव्ड ट्रेमेंडस क्रिटिकल एक्लेम्स फॉर हिज चिलिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ मुस्लिम आइस कैंडी मैन ड्यूरिंग पार्टीशन. ये वो दौर था जब आमिर के डायरेक्ट कंपेटिटर शाहरुख खान का करियर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद आसमान की बुलंदियों को छू रहा था. And in 2000, Bollywood saw the entry of a dashing newcomer who drove the nation crazy with his first release itself, Hrithik Roshan. But as for Aamir, he chose to ignore the number game. I don't really believe in this number game. I think that it is in the hearts of the audience, you know, what they feel about their stars. It's not something that you and I can measure. साल 2000 में मेला रिलीज हुई. इस फिल्म में आमिर ने अपने भाई फैसल खान के साथ काम किया. दिस फिल्म आल्सो हैड ट्विंकल खन्ना. दो द फिल्म डिड वेरी वेल इन द इंटीरियर्स, इट वाज कंसीडर्ड अ फेलियर इन द मेट्रोस. बट इट वाज द ईयर 2001 दैट प्रूव्ड टू बी अ वाटरशेड ईयर फॉर आमिर खान. उनके करियर ने लिया न सिर्फ एक पाथ ब्रेकिंग टर्न, पर साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी दो राहें पर खड़ी दिखी. Aamir Khan was now no more just an actor. He decided that he was going to produce a film, and not just any film, a film that in times to come would prove to be one of India's landmark films. But it was also during this time that his 15-year-old marriage with Reena came to an end.